अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड मानिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर जिसका नाम है चिकन ब्रेड रोल्स। बहुत ही मज़े के और ये सॉफ्ट से चिकन ब्रेड रोल्स बनते हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। हम इनको विदाउट ओवन बनाएंगे, आज इनको हमने एयर फ्रायर में बना कर देखा है। बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, बेकरी से भी और बाज़ार से भी आपके बेहतरीन ब्रेड रोल्स घर पर तैयार होंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट और मुलायम से हमारे बने हैं ये ब्रेड रोल्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, सेम एज ओवन में जैसे बनती है वैसे ही एयर फ्रायर में रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन में ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें हम चिकन ऐड करेंगे छोटी क्यूब्स में कटी हुई 300 ग्राम्स। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। गार्लिक जाएगा 1 टेबल स्पून, अनियन 1 स्मॉल मीडियम साइज़ की चॉप्ड, 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। पेपरिका जाएगा 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें जाएंगे बॉइल्ड कॉर्न्स 1/4 कप, कैप्सिकम 1/3 कप, चॉप्ड हैलापीनोस 1 टेबल स्पून। अच्छे से इसको करेंगे स्टर। अब इसमें जाएगा वाटर 2 टेबल स्पून। वाटर ऐड करके इसको हमने कवर करके कुक करना है फॉर अबाउट 2 मिनट्स। चिकन हमारा कुक हो गया, इसमें क्रीम चीज़ ट्राइंगल्स जाएंगे, टोमेटो पेस्ट जाएगी, क्रीम जाएगी 1 टेबल स्पून। अच्छे से 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारी डो की तरफ। ये रे सिंपल पिज़्ज़ा डो है, इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसको हमने डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में और इनको शेप कर लेना है बॉल्स में। बॉल्स बनाकर इनको साइड पर कर लेंगे और एक बॉल को हम रोल कर लेंगे ओवल शेप में। ये देखिए इस तरह हमने इसको ओवल शेप में रोल कर लिया और एक एंड पर इसके हम इस तरह स्लिट्स लगा देंगे। देखिए इस तरह इसके ऊपर हल्के हल्के हम स्लिट्स लगा देंगे एक साइड पर और दूसरी साइड पर हम इसकी फिलिंग को फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी फिलिंग को रख दिया ऊपर। अब इसको हमने रोल करना है टाइटली। ये देखिए इसको आहिस्ता आहिस्ता सा हम रोल करेंगे टाइटली, जो एजेस होंगी उनको भी सील करते जाएंगे साथ में। ये देखें इस तरह से हमने इसको रोल करके एक लॉक की शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह ये रोल हो गया। अब हाफ वे रोल करने के बाद जो एज बचेगी उस पर हम वाटर को लगाएंगे और इसको रोल करके सील कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसको पिंच करके हमने सील कर देना है। ये देखें अच्छे से हो गया। इससे आपके 8 हद तक ब्रेड रोल्स तैयार हो जाते हैं। अब इसको हमने ग्रीस्ड बटर पेपर पर रख दिया। ये देखें इस तरह से हमने इसको लाइन अप कर देना है ग्रीस बटर पेपर के ऊपर। ये देखें इस तरह से ये आ जाएंगे एक लाइन और बटर पेपर के ऊपर हमने 4 अद्दे रखे हैं, तो ये 2 बटर पेपर्स के ऊपर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर हमने एग योक से ब्रश कर देना है और अब पहले हमने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स और इनको बेक करेंगे फॉर अबाउट 9 to 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। एक साइड से जब ये हो जाए तो हम इनको फ्लिप ओवर करेंगे और जो दूसरी साइड होगी उसको भी हम कुक कर लेंगे। एयर फ्रायर में चीज़ें सिर्फ ऊपर से पकती हैं, नीचे से नहीं कुक होती, तो हम इसको फ्लिप कर नीचे से भी कुक कर लेते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर हमने नीचे भी एग योक लगा लिया और इसकी जो फ्लिप साइड थी वो उसको अपसाइड डाउन करके हमने इसको दोबारा एयर फ्रायर कर लिया। ये देखें इस पर भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। अब जो ऊपर वाली साइड थी उस पर हम बटर लगाएंगे अच्छी तरह से ताकि ये सॉफ्ट और फ्लफी से रहें। ये देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल्स तैयार हैं। देखें कितने सॉफ्ट हैं, बाज़ार से भी बेहतरीन बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर दिया करें। रेसिपी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।